इस बात में दो राय नहीं हो सकती, आईपीएल दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। जब भी आईपीएल का ये मेला सजता है तो कॉन्ट्रोवर्सीज उसका पार्ट एंड पार्सल होती है। इस फाइनल में वो सब कुछ देखने को मिला जो कि क्रिकेट फैंस देखना चाहते हैं, खासतौर पे T20 के मुकाबलों में। बहुत बड़ा टोटल नहीं बनाया मुंबई इंडियंस ने, और लग यही रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे थ्रू आउट द मैच, मैं समझता हूँ लग रहा था बहुत आसानी से ये टोटल जो है वो अचीव कर पाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, वी गोना टॉक अबाउट इट। और हमारे साथ मौजूद है इंडिया से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तानिया रुद्रा। वेलकम टू गूगली विद बासित एंड फ्रेंड्स। तानिया, टेल अस समथिंग अबाउट द फाइनल इन पर्टिकुलर, सबसे पहले क्योंकि आप इसको कवर करने भी गई हुई थी। Hi Basit, thank you so much for making me a part of your show. I am actually very happy to be on it. So as you know that IPL is over, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। So first of all, personally I am not very happy that Chennai Super Kings lost last night, because I think धोनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था इस पूरे टूर्नामेंट में, एंड ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली लेड हिज टीम टू द फाइनल्स, एंड ही शुड हैव बीन एबल टू टेक हिज टीम अक्रॉस द फिनिशिंग लाइन। एंड कल रात को उनका रन आउट डिसीजन भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, सो आई एम नॉट श्योर इफ ही वॉज आउट और नॉट। जी तानिया, इधर मैं बात करना चाहूँगा जो आर्च राइवल्स हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। What went wrong? धोनी जैसा cool, calm captain और दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो कि उनके शागिर्दों में से ही हैं, लेकिन वो ये बाजी किस तरह लेके चले गए हैं, और ये कुछ जो इनकी rivalry है इसके हवाले से भी कुछ बताएं हमें। बासित, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आई एक्चुअली डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट मुंबई इंडियंस वन, बट ऑल्सो आई थिंक ये इस टाइम चेन्नई और मुंबई की जो राइवलरी है वो सबसे बड़ी है आईपीएल में, बिकॉज देर इज़ नो थर्ड टीम विच हैज़ बीन एबल टू पोज अ ग्रेट थ्रेट टू एनी ऑफ दीज टीम्स, बिकॉज जो उनके अलावा सबसे बड़े स्टार हैं वो हैं विराट कोहली, और RCB हैज़ बीन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। सो दैट इज़ वाई चेन्नई एंड मुंबई who had won the title 3 times each till last night, so इनकी rivalry बहुत बड़ी थी। Also I think रोहित शर्मा as a captain, I don't know वो क्या करते हैं, but हाँ I am sure if he has won the title 3 times, so 4 times now, so he is a great captain। और MS धोनी जैसा तो शायद ही कोई captain है इस time cricket में, तो आई थिंक इसलिए ये दोनों राइवलरीज काफ़ी, ये राइवलरी इन दोनों टीम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आईपीएल के लिए। तानी, ये मिस्ट्री भी ज़रा खोलिए कि विराट कोहली जो है जब इंडिया को लीड करते हैं तो बहुत ही कमाल की कारकर्दगी है उनकी, सबसे अच्छे स्टैट्स हैं उनके इंडियन कैप्टन में, बट RCB के साथ वर्क goes wrong, AB de Villiers भी है उस टीम में, इसके अलावा बैटिंग लाइनअप खास तौर पे बहुत ज्यादा तगड़ी है। What goes wrong? इस मर्तबा क्या गलत हुआ? ये जो दोनों हैं ये मिलके RCB को क्यों नहीं उठा पाए? I think इस क्वेश्चन का आंसर तो विराट कोहली खुद ढूंढ रहे हैं कि आफ्टर ऑल उनकी RCB टीम के साथ प्रॉब्लम क्या है। So I think what I think personally is RCB is a very batting heavy unit, and so whenever the batsmen don't perform, it becomes very difficult for the team to win, because bowling के साथ तो वो कोई match I think नहीं जीत सकते हैं, because उनकी bowling में उतना दम नहीं है। So before Dale Steyn joined RCB this year, I think उससे पहले उनकी bowling unit की हालत काफ़ी ख़राब थी, but हाँ Dale Steyn को देखने के बाद they actually put together a few spirited performances and they managed to win some games, but also because RCB एक batting heavy unit है, तो अगर batsmen अच्छा perform नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा runs board पे नहीं होते हैं तो वो नहीं जीत पाते हैं।
और बिकॉज कोहली का परफॉर्मेंस भी इस साल एवरेज ही रहा है एक तरीके से. ऑल्दो उन्होंने एक सेंचुरी बनाई बट एक सेंचुरी से कुछ काम चल नहीं पाया एंड दे वर अनेबल टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स. ए बी डिविलियर्स वॉज गुड बट देन अगेन वेरी इनकंसिस्टेंट. तानिया ये बताइए कि न्यू दिल्ली में मौसम कैसा है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो अभी बहुत प्लेजेंट है. इट रेन्ड अ वाइल अगो. Basit, right now as we are speaking, it's raining outside. So yeah, it has been quite warm for last few days, but abhi kafi acha mausam ho gaya hai. Last but not the least, Tanya will like to talk about the sensational Bumrah. What consistency? I think ke wo duniya ke is waqt top limited overs bowler hain. और पाकिस्तान में भी उनका बहुत बड़ा फैन बेस है. क्वाइट सरप्राइज दैट कोई इंडियन बॉलर इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट है, दैट टू अ फास्ट बॉलर. हम हमेशा से पाकिस्तानी बॉलर्स के फैन रहे हैं और इट्स क्वाइट हार्डनिंग टू सी दैट अब पाकिस्तान से किसी इंडियन बॉलर को इतनी प्रेज मिल रही है. So and yes, I think I mean I was not a big Jasprit Bumrah fan, but abhi kuch last ek saal mein unke performances dekh ke mujhe bhi aisa lagne laga hai ki yes, he might be the best in the world right now. Thank you Tanya Rudra for your time, and we look forward talking to you again in Googly with Basit and friends. दोस्तों आपने ये करना है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें हमारे शो को गूगली विद बासित एंड फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बासित सुभानी, और साथ में प्रेस करना है आपको बेल आइकन को ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो उनके बारे में पता चल सके. जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी.